Все будет в клетке, пацаны, пацаны. Абдурозик, Абдурозик, успокойся. Говори. Хазбула, Хазбула. Давай, говори. Хазбула, Хазбула, подожди, подожди, подожди. Хазбула. Говори, говори. Не-не-не. Джабил. Не-не-не. Сопляк маленький. Джабил. Не-не-не. Абдурозик, Абдурозик. काफी बड़े मैचेस थे कल और ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ मैचेस में शायद काफी सरप्राइजिंग चीजें हुई और कुछ मैचेस में काफी एक्सपेक्टेड चीजें हुई और कुछ मैचेस में तो मतलब द फुटबॉल एंड द फैन इंसिडेंट्स नॉट द फुटबॉल टुक द प्रेसिडेंस. वेलकम टू मेनेस इन द मॉन्क. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द गेम्स. वेलकम टू द मंडे क्विकी एंड लेट्स स्टार्ट विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स. ब्रदर 3-0 स्पर्स blew them away, भाई. This अगर सॉन खेल रहा होता ना ये मैच, this could have been a plummeting. मतलब this could have been आराम से 5-0, 6-0 शायद हो सकता था. 7 chances Kulusevski created out of which I think 6 miss किया Timo Werner ने. अगर सॉन खेल रहा होता ना ये मैच, तो this scoreline could have been ugly. It is still bad, but it could have been terrible, terrible. Reading for Man United fans, bhai, they just did not get going. I was expecting some sort of response from United. This was not it, brother. Where do I even begin, bhai? कहाँ शुरुआत करें? Let's start with the first goal. Sorry, please continue. देख goal बोल तो देख obviously game तो सबने देखा, analysis तो पूरे but they have just scored one goal at Old Trafford. मुझे Fulham के against था. Liverpool ने 3 मारे, Spurs ने 3 मारे. मतलब फिर manager आके बोलेगा tomorrow is a new day. Come on, dressing room में जाके बोला कि come on guys tomorrow. ऐसा paraphrasing उससे ऐसा बोला कि भाई कोई belief ही नहीं है. Simple सी बात है. मुझे नहीं लग रहा है कि प्लेयर्स आर बाइंग इनटू एरिक टेन हैग की फिलॉसफी स्ट्रेटजी. मुझे नहीं लग रहा. और स्कैरी बात यह है क्योंकि सब साइनिंग इसकी. वही मैं बोलने वाला था, विच इज वेरी वियर्ड कंसीडरिंग कि भाई अब तो पूरी साइनिंग्स 15 साइनिंग हो चुकी हैं. द एंटायर स्क्वाड लाइक 99% ऑफ द स्क्वाड इज योर्स. कल भाई मतलब जो पहला गोल था जिसके बारे में बोल रहा हूँ, एक तो वैंडरवेन भाई, ओ हो हो, व्हाट अ डीमन ही इज, क्या स्पीड है भाई. बट हाउ कैन यू अलाउ अ सेंटर बैक भाई, ही वाज ही रैन थ्रू इट लाइक मतलब जैसे प्लेन का तेरा डिपार्चर गेट क्लोज होता है और तू भागता है ना कभी कभी, एक दो बार हुआ है. ही रैन थ्रू इट लाइक दैट. हाउ कैन यू अलाउ, मतलब डालो भाई, डालो छोड़ दिया एंड बाद में ही पुट अप हिज हैंड अपोलोजाइजिंग एंड एवरीथिंग. उगारते मिस किया उसका पूरा रन. डेलेक्ट एक्सपोज हो गया, डेलेक्ट एक्सपोज हो गया भाई. बहुत नाइविटी दिखा. मतलब वी कैन टॉक अबाउट गोल्स एंड एवरी मोमेंट्स एंड ऑल दैट, बट हम लोग वी डोंट डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस ऑन दिस चैनल. भाई खुल गए थे वो लोग पूरी तरह से. और दूसरा पता है, मतलब ब्रूनो का इंसिडेंट के बारे में मैं बात करूंगा. आई फेल्ट द रेड कार्ड वॉज अ लिटिल हार्श. I think मतलब वो उसका it studs up नहीं था and he caught him by his heel, so I don't think it was a red card. But मतलब I know थोड़ा सा भी murky हो गया किसको बोलें किसको नहीं बोलें, but yellow और red के more yellow than red according to me, मेरे हिसाब से. I don't know what you think about it. मेरे को वो red card harsh लगा, but Bruno भी कुछ ज़्यादा contribute नहीं कर रहा था भाई. मतलब एंड हिज एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सच अ बिग गेम इज मेकिंग अ सिनिकल टैकल, देन यू हैव लाइक व्हाट आर यू डूइंग देन. नहीं थी, आई एग्री विद यू, मोर येलो देन रेड वो टैकल. या ओ नहीं थी, दो तीन बार कहा है कि वो कैप्टन मटेरियल मेरे को नहीं लगता. हाँ वापस इट इज नॉट अबाउट, देख वो इंटेंशन था ही नहीं रेड कार्ड का, बट इट्स जस्ट the personality, the presence जो आप you know like जो आप आपकी personality मेरे हिसाब से as a captain contagious हो सकती है, but अगर उसी personality contagious हो गई team में तो पूरी team रोएगी. and जब आपको कोई बंदा चाहिए निधि which you know like inspires everyone else, I don't think Bruno वैसा player है जो कर सकता है. I don't think वो captain material है. कल वापस दिखा एंड ब्रूनो के
इंसिडेंट के पहले ही देवर बीइंग आउटेड भाई. नहीं दीज आर द टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस मेरे हिसाब से दैट गेट यू सैक्ड. बट सैकिंग पे तो उसने बोला कि वी जस्ट हैड अ चैट एंड वी आर टुगेदर, तो आई डोंट थिंक ही सैक्ड. हां बट दीज आर द परफॉर्मेंसेस. कोई किसी को बोलता नहीं ना एक मैच के पहले कि अगर तू आज हारा तो तू सैक हो जाएगा, कभी बोलते नहीं है. अभी नेक्स्ट दो मैच पोर्टो है और फिर उसके बाद विला है और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है, टाटा बाय बाय हो सकता है. एक्सक्यूज मी सॉरी मेरे थोड़ा गला खराब है, तबीयत खराब है. बट निधि दीज आर द परफॉर्मेंसेस जो आपको ब्लेस यू दैट गेट यू सैक्ड. नोवेयर ऑन द पिच निधि, शायद से गर्नाचो को छोड़ के थोड़ा कुछ था ही नहीं भाई, कुछ था ही नहीं. ओनाना ने दो तीन सेव्स निकाले, अदरवाइज इट कुड हैव बीन फार मोर. हां हां ओनाना ने कल दो तीन बहुत अच्छे सेव्स निकाले, ही वाज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स फॉर यूनाइटेड. भाई स्पर्स वांट टू गिव अ बिट ऑफ क्रेडिट टू, हां वही स्पर्स वांट टू गिव अ बिट ऑफ क्रेडिट टू स्पर्स. बड़ी बात या देख भाई, प्रेशर तो एंज के ऊपर भी था. गोइंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड इज नॉट एन इजी गेम, भले यूनाइटेड कैसे भी फॉर्म में हो, ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाके मैच खेलना कभी इजी नहीं होता है ये. एंड बेयर इन माइंड देख, सॉन तो नहीं था ये मैच में, एंज प्लेड विदाउट अ प्रॉपर डीएम. हां डीएम नहीं था उनके लाइनअप में कोई प्रॉपर. इफ यू लुक एट द वे दे सेट अप, वो उनका बहुत क्लियर था कि हम लोग पेस के लिए जाएंगे, दैट्स व्हाई. और डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उसका आइडिया था कि हाई लाइन खिलाऊंगा और जब चांसेस मिलेगा, काउंटर मिलेगा मेरे को, मैं आई विल जस्ट पंप. लाइक ब्रेनन जॉनसन चार मैच में चार गोल मार चुका है. ही हैज बीन ब्रिलियंट. हां बाय द वे ही इज डिलीटेड ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बाद चार मैच में चार गोल मार. आफ्टर दैट सब कुछ ठीक हो गया. हां चार मैच में चार गोल मार चुका है. तो अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो ट्विटर इंस्टाग्राम डिलीट मारो. इट्स नॉट अ बैड आईडिया बाय द वे टू डिलीट. हां इट्स ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बैड आईडिया राइट. एंड देन ही परफॉर्मड भाई. And was tactically spot on, tactically भी खा गया वो Erik ten Hag को. मेरे को तो substitution, भाई when you play उगारते, देखो पता है उगारते, मैं PSG को तो उतना नहीं खेलते हुए देखता हूँ, लेकिन जब बीच में हम लोग उगारते के साथ लिंक हुए थे ना, तो मैं उरुग्वे के कुछ मैचेस देख रहा था बीच में. भाई ही इज अ वेरी ओल्ड स्कूल DM जो प्ले ब्रेकअप करेगा. ही इज नॉट गुड एट कवरिंग स्पेसेस. और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, जब आपको ऐसा डीएम आपने लाया है एंड देन यू वांट कि उसके लिए कोई रनिंग करे, तो फिर व्हाई डोंट यू प्ले माउंट, व्हाई डिड यू सेल मैक्टोमिने. मतलब मेरे को तो सेंस ही समझ में नहीं आता है. मतलब व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल आर यू ट्राइंग टू प्ले. मेरे को ऐसा लगता है ना कि प्लेयर आपने जो लिए हैं वो एक अलग टाइप का फुटबॉल खेल में शाइन करेंगे. जैसे डेलिक्ट की इन द बॉक्स डिफेंडिंग इज वेरी गुड, but he's not a very mobile defender. He is not a defender जो highlight में अच्छा खेलेगा. तो आप फिर pass and move कैसे खेलना चाह रहे हो उगारते और डेलिक्ट जैसे players का? Then you play counter attacking football. That will suit you more, ना? बहुत confused सा vision लगता है मेरे को. And again, I'll repeat, bro. Again, these are not bad players. I'll repeat, these are not bad players. But these are not great players. हाँ, agreed. But सारे तेरे हैं, तो तूने लिया ही क्यों? वही रिक्रूटमेंट मैं उसी पे आता हूँ कि आपने ही ये प्लेयर साइन किया निधि. और मैंने 100 बार आई हेट टू साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, बायन क्यों जाने देगा? नहीं देखो वो दैट अच्छे नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. उगार्ते क्यों जाने? बायन आल्सो लेट ग्रेवेनबर्ग गो ना, वो तो अच्छा खेल रहा है. बहुत डिफरेंस है. ग्रेवेनबर्ग को गेम ही मिलता ही नहीं था खेलने. देख ब्रो, उधर भी वो उसको प्रेफर कर रहा था ना, क्या नाम है उसको, जब टूकल भाई एलेग्री इसका डिफेंसिव मैनेजर्स एलेग्री. खैर चलो, मतलब दिस इज अ लार्जर कॉन्वर्सेशन, वी कैन गेट इनटू इट मे बी इन अ लाइव और समथिंग, गेट सम इनपुट. बट पर्सनली मेरे को लगता है ना कि अलग टाइप के प्लेयर्स हैं. मतलब यू आर ट्राइंग टू, मतलब तेरे दीवार में तेरे को, मतलब यू हैव टू स्क्रू अ वॉल, स्क्रू अ यू नो स्क्रू इनटू द वॉल. And you're using a panel for that. Why are you doing that? Get a hammer. Samajh raha hai? Mere ko disconnect lagta hai the kind of football Ten Hag wants to play with the kind of personnel that he's got. Ye, I don't even, I mean, I understand what you're saying. But jaise but Christian Eriksen ne 20 ke match ke baad bola ki the FC 20 players wanted it more.
नाउ हाउ कैन दैट बी, हाउ कैन दैट बी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब आपका एक्सपीरियंस प्लेयर जो अपने नेशनल टीम को कैप्टन कर चुका है फॉर मेजर टूर्नामेंट्स, आपका एक्सपीरियंस प्लेयर जो इंटर में जाके जीता है चीजें, वो आया है, उसे हंड्रेड्स ऑफ मैचेस खेले थे, अगर ये चीज ओपनली बोली जा रही है तो मेरे को कभी कभी लगता नहीं थी टैक्टिक्स वैक्टिक्स तो जाने दो, जो चाहत है ना खेलने के लिए, टू द व्हाट इट फील्स टू प्ले फॉर द बैच, फॉर द टीम, फॉर द फैंस, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं लिव अप कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पता नहीं, बट वो लिव अप नहीं कर पा रहे। ये अंडरलाइन बेसिक चीज है भाई, दे आर नॉट, दे डोंट नो काफी प्लेयर्स की व्हाट इट इज टू प्ले फॉर दिस, ये है। और एरिक टेन हैग, देख मेरे को एक बात बोल, तू डिस्ट्रॉयर विस्ट्रॉयर बोल रहा होगा, देखो एटलीस्ट वो तो कर, वो भी नहीं कर रहा है, जो भी छोटा सैंपल साइज मिला वो पीएसजी में भी नहीं कर रहा था, वो 65 मिलियन यूरोस दिया भाई, हलवा है क्या भाई, बहुत पैसा दिया, बहुत पैसा, कुछ कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यूनाइटेड नेक्स्ट दो मैच के बाद यूनाइटेड आई मीन टेन हैग सैक हो सकता है, आई डोंट लाइक एनीवन गेटिंग सैक ऑनेस्टली, स्पेशली टेन हैग मैं नहीं चाहता वो, बट मेरे को लग रहा हो जाएगा ब्रो। हाँ ऐसे ही चलता रहा तो वेरी डिफिकल्ट टू सी हिम सर्वाइव दिस। स्पीकिंग ऑफ सर्वाइविंग एंड स्पीकिंग ऑफ अनदर हाई ऑक्टेन गेम भाई, मैड्रिड डर्बी। देख बिफोर स्टार्टिंग द गेम ना, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एथलेटिको मैड्रिड का ना एक सपोर्टर्स का ग्रुप है, मतलब अल्ट्रास बोल सकते हो उसको, फेरेंटे एथलेटिको बोलते हैं उनको, ठीक है, दे आर अ वेरी नियोनाजी फासिस्ट टाइप का वो उनका ग्रुप है भाई। एक एथलेटिको हैज टू बैन देम यार, मतलब एथलेटिको ने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया बट कभी बैन भी नहीं किया है, ये प्रॉब्लम है। कल थीबो कुर्तो, आई डोंट नो, मतलब देखा ही होगा सबने, थीबो कुर्तो हैड टू लिटरली थ्रो अ पर्सनली हाथ से, ही हैड टू थ्रो अ बैग ऑफ शिट दैट वाज थ्रोन एट हिम, ही हैड टू कैरी इट ऑफ द फील्ड। ये सब चीजें हुई हैं कल के मैच में और उसके वजह से मैच डिले हुआ है। Then he got, of course, he got into a spat with the crowd and everything. Football, देख भाई, Simeone का क्या है ना कि he, I think he has gone back to his roots. वो proper 4-4-2 में वो जा चुका है, ठीक है, वो अलग अलग वेरिएशन ट्राई करता है 4-4-2 के। जूलियन एल्वेरेस को कल भी, उसने पहले भी और पहले भी वो लेफ्ट विंग बैक खिला रहा है, मतलब वो प्रॉपर एकदम हराम ज्यादा फुटबॉल जो उसका है, वो जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर वो जा चुका है, एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ बैड थिंग। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि यू हैव टू नो द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट विल वर्क फॉर यू, Simeone इज अ मास्टर ऑफ दैट। कल तो उसने शिटहाउसरी भी शुरू कर दी, उसने बोला आर कंपेटिटर्स आर बार्सिलोना नॉट रियल मैड्रिड, मतलब वो बोल रहा है कि ये लोग तो टाइटल रेस में नहीं रहेंगे, ऑलरेडी वो कमीनापन शुरू कर चुका है अपना। रियल मैड्रिड हैड अ लॉट ऑफ चांसेस, ऑफकोर्स जैसा गोल मारा उसने इट वॉज गुड, बट वही है भाई कि एथलेटिको वही है ना यार, दे आर नॉट, मतलब एथलेटिको का वही था ना भाई कि दे आर, मतलब पहले एथलेटिको का क्या था कि तुम कभी भी उनको काउंट आउट नहीं कर सकते हो, यू नो कि किसी भी तरीके से वो लोग घुसेंगे मैच में, कल भी वही हुआ। उनके पास ना काउंटर पे पेस कम है एंड आई, वो उसी को वो शायद काउंटर करने की कोशिश कर रहा है बाय प्लेइंग जूलियन एल्वेरेज ऑन द लेफ्ट साइड और समथिंग, मतलब वो करने की कोशिश कर रहा है, बट भाई कल जो गोल मारा उन्होंने, एक तो उसको ऑफसाइड दे दिया था, तो मतलब इट फेल्ट लाइक कि यू नो रियल मैड्रिड हैव गॉट द टफ टास्क, बिकॉज़ यार वांडा में जाके खेलना इज अगेन नेवर इजी, तो वो तो ऑलमोस्ट लगा कर लिया बट लास्ट मिनट में मार दिया इन्होंने। सो एथलेटिको यार देख क्या है ना भाई कि वो अभी आई थिंक दे आर बैक टू देयर एलिमेंट एंड इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। I don't know if they will win the title. I personally think they will be involved for sure. मतलब at least they will have a say in the title race for sure. Atletico are going back to their roots and they are playing very very well. और honestly if you look at the way they have played ना, if you जो भी जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तेरे को भाई जो ball डाली थी ना इसने गलान, हावी गलान, तो हावी गलान इज एन ओजी लेफ्ट बैक ऑफ द लालीगा,
उसको ना बेंच पे रखता था तो बहुत बार क्रिटिसिज्म भी हुआ कि हावी गलान जैसे प्लेयर को आप बेंच पे कैसे रख सकते हो, लेफ्ट से आया वो और उसने कल बॉल डाली, क्या ब्रिलियंट बॉल, देन दे इक्वलाइज्ड। बार्सिलोना विल बी द हैप्पीएस्ट भाई, उनका वॉबल हुआ था। मैं वही बोलने वाला था, बारसा बहुत खुश होगा कि ड्रॉ हो गया, बिकॉज़ इवन दे ड्रॉप पॉइंट्स ओसासुना के, बिकॉज़ दे लॉस्ट द गेम, सो हां बारसा विल बी द हैप्पीएस्ट। आई जस्ट सॉ द हाइलाइट्स, द गेम वाज टू लेट फॉर मी भाई। मैंने जो भी हाइलाइट्स देखा कि रियल मैड्रिड ने चांसेस बहुत क्रिएट किए, विनिशियस ने बहुत चांस, विनिशियस वाज रनिंग बॉल के साथ काफी ज्यादा, ओब्लाक वाज अ बिजी मैन, सो देख मैं तो इसी बेसिस पे बोल सकता, बट मैंने देखा कि गेम वाज स्टॉप्ड एंड एवरीथिंग एंड कोर्तवा वाज इन्वॉल्वड, सिमियोने वाज टॉकिंग एंड ऑल दैट, आई डिडंट नो कि बैग ऑफ शिट वाज थ्रोन एंड एवरीथिंग। या मां कसम ब्रो, लाइक एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगा अबाउट दिस गेम, देख ऑब्वियसली टाइटल रेस विल गो डाउन, मेरे को लगता है कि इस बार प्रॉपर टाइटल रेस होगा। लास्ट दो सीजन से शायद हमने देखा, एक बार बार्सिलोना ने एक वन साइडेड जीता था, फिर रियल मैड्रिड ने वन साइड जीता था, मेरे को लगता है इस बार लालीगा में वन साइडेड टाइटल रेस तो नहीं होगा, एंड आई फील दैट एथलेटिको विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स। एक चीज मैं बोलूंगा, रेफरी जो कल था ना, आई थिंक हिज नेम वाज मार्टिन, आई एम फॉरगेटिंग द लास्ट नेम, ही हैड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस यार, बहुत हाई स्टेक्स गेम था, द थिंग कुड हैव गॉन एनीवेयर, स्पेशली विद द क्राउड का इन्वॉल्वमेंट ना, ग्रेट परफॉर्मेंस। हम लोग हमेशा बात करते हैं रेफरी की व्हेन रेफरीज हैव अ बैड गेम, दिस वाज वन ऑफ द गेम्स वेयर द रेफरीइंग का बहुत अच्छी थी, I personally felt बहुत अच्छे से handle किया उसने इतने high stakes game को, तो refereeing performance was good. Yeah, that's good to know कि referees मतलब because बहुत सारे गालियां पड़ती हैं कभी-कभी Premier League में तो rightly so भी, but अगर कोई अच्छा करता है तो it's good to notice, so that's good कि some referee had a good game for once. भाई उसको अगर तू jersey पहना देगा ना किसी team की, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, मार्टिन तो था, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसको अगर तू जर्सी पहना देगा ना किसी टीम की तो ही विल लुक लाइक अ प्लेयर, ही इज सो फिट सो यंग, मतलब वो बहुत सही था वो कल का रेफरी, रेफरी बनना था, बच्चे बड़े हो गए क्या बनोगे, मेरे को रेफरी बनना है, वैसा वाला रेफरी बनना। हां कोई कोई क्रिकेट में भी ऐसे कोई कोई, हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते तो कोई कोई बच्चे रहते थे ना ऐसे कि मैं अंपायर बनूंगा, रहते थे, दे वॉलंटियर टू बी अंपायर्स। वैसे ही होगा ये शायद। सही है ब्रो, अच्छा है, अच्छे और रेफरीज मिले और अच्छे बने, बट बोथ ऑफ देम आर ड्रॉप पॉइंट्स यार, एंड आल्सो एस्टन विला ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट इप्सविच, थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग। इप्सविच आर शोइंग रिजॉल्व व्हिच आई थिंक इज ग्रेट, स्पेशली एट होम, आई थिंक इप्सविच थोड़ा टफ होगा टू बीट, हमने देखा था फर्स्ट हाफ में हमारे ओपनिंग गेम ऑफ द सीजन में, कल विला आल्सो हैड टू डिग डीप, बट इप्सविच congratulations to them for another point yaar, Villa clearly not a good result, Villa would have been equal on points with us if they had won, Villa joint top hote agar wo they should have won it, they had it in the bag bhai, Ipswich ka game pata, Ipswich ka stadium dekh ke aur wahan ka mahol dekh ke tere ko early 2000s ka Premier League yaad hai, jab matlab 2004-5 mein jis tarah ka you know the atmosphere that was created at Anfield, Stamford Bridge, मतलब उस टाइम पे वैसा लगता था, हाँ दे ब्रिंग बैक द ओल्ड वाला वाइब थोड़ा, वो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ इवन व्हेन वी प्लेड देम इट वाज नॉट अ वेरी हॉस्पिटेबल प्लेस, एंड क्रेडिट टू देम फॉर दैट यार, विला के हाथ से छीन लिया, एंड लास्ट में तो दे हैड ऑलमोस्ट हैड अ चांस टू टेक ऑल थ्री पॉइंट्स, बट वेल डन टू इप्सविच यार, विला का वही है, अभी ये हफ्ते में यूरोपियन गेम्स हैं विला के, हमारे and then you know United also play, Spurs also play, there's European fixtures this week, it will be interesting to see what happens here, there is a lot of football to be played, important football to be played before the international break, so yahi tha apna Monday quickie, a quick word to Napoli, they won the game, to wo match to humne dekha nahi, to utna baat nahi kar payenge uske bare mein, but didn't see the game, but they won their game. Syria bhi kafi interesting scene chal raha hai, Juventus looks like they are getting back to you know some sort of some semblance of normalcy, aisa lag raha hai Juventus ke liye, but let us know in the comment section, aap hamare assessment se agree karte ho nahi karte ho, aapko kya lagta hai aapki team kaisa kheli, क्या विचार है आपके एरिक टेन हैग के ऊपर, और क्या लगता है आपको ला लीगा टाइटल रेस के बारे में। आपसे जल्दी मिलेंगे फिर से इन अ न्यू वीडियो, इन अ न्यू लाइव, एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, द रेड्स रेड्स।
अरे 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 अरे